हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कैप्सूल्स के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ 0.13 ml, 0.95 ml, 1.37 ml, 0.37 ml। द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, तो 000 इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल एंड इसकी कैपेसिटी होती है 1.37 ml। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 000 होती है लार्जेस्ट साइज कैप्सूल एंड इसकी कैपेसिटी होती है 1.37 ml और mg में ये होती है 950 mg। अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होती है नंबर 5 एंड इसकी कैपेसिटी क्या होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है mg में 100 mg एंड ml में 0.13 ml। ये होती है स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल की कैपेसिटी, 0.13 ml एंड 100 mg। ये 0.9 ml कैपेसिटी होती है 00 नंबर कैप्सूल की एंड 0.37 ml कैपेसिटी होती है 2 नंबर कैप्सूल की। ये हमने देखा हुआ है 000 होता है लार्जेस्ट साइज, बाद में आता है 00, देन आता है 0, देन आता है 1, 2, 3, 4 एंड देन स्मॉलेस्ट साइज होती है 5। 000 होती है लार्जेस्ट साइज एंड 5 होती है स्मॉलेस्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल शुड बी बिटवीन 12-15%, 5-8%, 2-6% और 20-25%। कितना होता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल, तो ये होना चाहिए 12-15%। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 12-15% होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल एंड कैप्सूल शेल्स आर मेड विद जिलेटिन। अभी आप मुझे बताएंगे जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म एंड नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 150-240 ग्राम। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ इज, तो ये होती है 150-240 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोसॉल्ट, रोटोफिल, एक्ोफिल, पैलेटोफिल। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय, तो किसका यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स, तो इसके लिए यूज करते हैं रोटोफिल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय, तो फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय क्वालिसिल। देन ये रोटोसॉर्ट क्या होता है, तो रोटोसॉर्ट इज ए कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन होती है रोटोसॉर्ट। एंड वॉट इज एक्ोफिल, तो एक्ोफिल यूज करते हैं टू फिल एग्जैक्ट पाउडर डोज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोफिल का। देन एक होता है एक्ोजेल, तो एक्ोजेल का यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोफिल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एक्ोजेल का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए हैं, ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स इज 0.6:1, 0.4:1, 1:2, 0.8, 0.8:1। तो कितना होता है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.4:1। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है 0.4:1। एंड अभी आप मुझे बताएंगे फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो कितना होता है, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए ये रेशियो होता है 0.8:1। हार्ड जिलेटिन के लिए ये होता है 0.4:1 एंड सॉफ्ट जिलेटिन के लिए ये होता है 0.8:1। एंड जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ का।
ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन फिल्म. देन नॉर्मली ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 150 टू 240 ग्राम. देन अभी आप मुझे बताएंगे डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स. तो कितना होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का होता है 30 मिनट्स. बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये जिलेटिन फिल्म के बारे में. देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का टाइम, ब्लूम स्ट्रेंथ की नॉर्मल रेंज. देन और एक क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल के ऊपर स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज. तो कितना होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? तो ये होता है 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल, क्वालिसिल, एकोजेल, लिक्विसिल. तो ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल इज डन बाय क्वालिसिल. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल. ठीक है, एंड ये एकोजेल का भी मैंने अभी आपको बताया था. एकोजेल यूज करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर को फिल करने के लिए यूज करते हैं एकोजेल का. एंड एकोफिल का यूज करते हैं टू फिल एग्जैक्ट पाउडर डोज इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जेनेसी इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज, टू डिटरमाइन द रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड्स, फॉर टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल मशीन. तो जेनेसी इंस्ट्रूमेंट होता है कैप्सूल मशीन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये जेनेसी होती है कैप्सूल फिलिंग मशीन. ठीक है, देन टैबलेट कोटिंग के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं? तो वर्स्टर्स प्रोसेस इज यूज टू कोट द टैबलेट. वर्स्टर्स कोटर यूज करते हैं टू कोट द टैबलेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. जिलेटिन इज यूज्ड एज एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, विस्कोसिटी एजेंट, टैबलेट ग्लाइडेंट. तो क्या होता है जिलेटिन? तो जिलेटिन होता है इनकैप्सुलेटिंग एजेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैप्सूल शेल्स आर मेड विथ जिलेटिन. एंड ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन फिल्म. नॉर्मली होती है 150 टू 240 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. तो ये भी अभी हमने देखा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए ये होता है 0.8:1. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्राई ग्लिसरीन का ड्राई जिलेटिन के साथ में रेशियो होता है 0.8:1 फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स. एंड हार्ड जिलेटिन के लिए ये होता है 0.4:1. देन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट्स एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट ऑगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डोसेटर प्रिंसिपल, हॉपर फिलिंग. द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट. एक्सेप्ट पूछा है. तो इनमें से कौन सा कैप्सूल फिलिंग मशीन का फिलिंग प्रिंसिपल नहीं है? तो ऑगर फिलिंग, वाइब्रेटरी प्रिंसिपल, डोसेटर प्रिंसिपल, ये सभी है फिलिंग प्रिंसिपल ऑफ द कैप्सूल फिलिंग मशीन. इसमें हॉपर फिलिंग नहीं आता. ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर. हॉपर फिलिंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कैप्सूल फिलिंग मशीन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? सॉर्बिटॉल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट और अकेशिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? तो इनमें से किसका यूज करते हैं टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? तो इसके लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. सॉर्बिटॉल होता है प्लास्टिसाइजर. सॉर्बिटॉल, देन ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये सभी होते हैं प्लास्टिसाइजर्स. देन ये टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड का. क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेसिफाइंग एजेंट. एंड ये अकेशिया होता है इमल्सिफाइंग एजेंट. मोस्ट वाइडली यूज इमल्जेंट होता है अकेशिया. ठीक है, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश एमजी कैपेसिटी. 950 mg, 100 mg, 650 mg, 200 mg. तो कितना कैपेसिटी होता है कैप्सूल नंबर थ्री का?
तो थ्री साइज कैप्सूल विल हैव 200 mg कैपेसिटी, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। थ्री साइज ऑफ कैप्सूल का कैपेसिटी होता है 200 mg। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल होता है 000 जिसका कैपेसिटी होता है 950 mg। देन उसके बाद में आता है 00 उसका कैपेसिटी होता है 650 mg। देन आता है 0 कैपेसिटी होता है 450। देन आता है 1 उसका कैपेसिटी होता है 300 mg। देन होता है 2 इसका कैपेसिटी होता है 250 mg। देन आता है 3 उसका कैपेसिटी होता है 200 mg। देन 4 का कैपेसिटी होता है 150 mg। एंड 5 विच इज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल उसका कैपेसिटी होता है 100 mg। ठीक है, ये 950 हो जाएगा लार्जेस्ट साइज कैप्सूल 000 का कैपेसिटी, 100 mg हो जाएगा स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल का कैपेसिटी, एंड ये 650 हो जाएगा कैप्सूल नंबर 00 का कैपेसिटी। ठीक है, ये कैप्सूल साइज भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स, डिजोल्यूशन, एडेसिवनेस, इलास्टिसिटी, कोहेसिवनेस। ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स, तो ये होता है कोहेसिवनेस के लिए, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर कोहेसिवनेस ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। ब्लूम इज ए मेजरमेंट फॉर कोहेसिवनेस स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 2, 4, 9 और 11। टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH, तो ये हो जाएगा 9, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। टाइप ए के लिए ये होता है 9 एंड टाइप बी का होता है 4.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कंटेन मॉइस्चर ऑफ 10%, 20%, 15%, 0%। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कंटेन मॉइस्चर ऑफ, तो कितना मॉइस्चर होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल में, तो इसमें होता है 15% मॉइस्चर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज 21 to 24 degree Celsius, 15 to 18 degree Celsius, 18 to 20 degree Celsius, 25 to 27 degree Celsius। तो क्या होता है स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, स्टोरेज कंडीशन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल होता है 21 to 24 degree Celsius, ऑप्शन ए। एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम था 60 मिनट्स। अभी आप मुझे बताएंगे शार्क लीवर ऑयल इज डिस्पेंस इन विच कैप्सूल, कौन से कैप्सूल में डिस्पेंस करते हैं शार्क लीवर ऑयल को, तो शार्क लीवर ऑयल इज डिस्पेंस्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं टू डिस्पेंस शार्क लीवर ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 7 to 8। तो टाइप ए का हमने देखा था 9 एंड टाइप बी का हमने देखा था 4.7। 4.7 मीन्स आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। 4 टू 5 होता है टाइप बी जिलेटिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटो सॉल्ट इज यूज फॉर फिलिंग पाउडर्स इन कैप्सूल, फिलिंग पैलेट्स इन कैप्सूल्स, फिलिंग लिक्विड्स इन कैप्सूल्स, सॉल्टिंग द फील्ड कैप्सूल्स। तो किसके लिए यूज करते हैं रोटो सॉल्ट का, तो रोटो सॉल्ट होता है कैप्सूल चेकिंग मशीन टू सॉल्ट आउट द फील्ड एंड अनफील्ड कैप्सूल, ये होती है कैप्सूल सॉल्टिंग मशीन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रोटो सॉल्ट इज यूज फॉर सॉल्टिंग द फील्ड कैप्सूल्स। देन फिलिंग पाउडर्स इन कैप्सूल्स के लिए यूज करते हैं एकोजेल एंड एकोफिल का। एकोजेल होता है फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड एकोफिल होता है फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एकोजेल का, एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में पाउडर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं एकोफिल का। देन फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल, एंड फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल इज डन बाय क्वालिसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल 00, 000, 5 और 1। तो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है 5, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है 000। 000 की कैपेसिटी होती है 950 mg और 1.37 ml। एंड स्मॉलेस्ट साइज जो 5 साइज होता है उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg
और 0.13 ml। देन 00 की कैपेसिटी होती है 650 mg एंड 1 की कैपेसिटी होती है 300 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कैप्सूल शेल इज मेड बाय जिलेटिन, स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज इज 5, लार्जेस्ट कैप्सूल साइज इज 000, ऑल ऑफ दीज। तो कैप्सूल शेल इज मेड बाय जिलेटिन, ये भी करेक्ट है। स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है 5, ये भी करेक्ट है। एंड लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसाइजर्स आर सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, बोथ और नन। तो प्लास्टिसाइजर्स में हमने देखा था सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये सभी है प्लास्टिसाइजर्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सॉर्बिटॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों है प्लास्टिसाइजर्स। एंड प्लास्टिसाइजर्स आर यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक। कैप्सूल शेल को इलास्टिक और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं प्लास्टिसाइजर्स का, जिसमें यूज करते हैं सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल का। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।